नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाई कनेक्शन के बारे में, जो कि गाइस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिशियन आते हैं आपके घर में और बहुत सारा झोलझाम करके चले जाते हैं इलेक्ट्रिक वायर को। तो गाइस जो हमारी 0.75 से लेके 1 mm या 1.5 mm तक की वायर होती है, वो इजिली आप, मतलब अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, बट तब आपकी 2.5 mm की वायर होती है तो आपको किस तरीके से जोड़ना चाहिए। और गाइस आप तो मेन वायर यूज करते हैं 6 mm तक की, तो गाइस उसे हम कैसे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कभी हमें वायर में ज्वाइंट लगाना ही पड़ जाता है। तो गाइस वीडियो को जरूर देखिएगा, लमसम आपकी लाइफ और घर दोनों का सवाल है। तो गाइस जो लोग इस चैनल को फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की रेगुलर और सेफ्टी रिलेटेड वीडियो में लेके आता रहता हूँ, और आपको बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी हाथ हाथ मिलता रहेगा। तो गाइस अब सीधे चलते हैं वीडियो पे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो सकती है, सीधे मैं ट्यूटोरियल बाकी लास्ट में बात करेंगे फुल डिटेलिंग में। तो दोस्तों ये वाली जो वायर है ऑलरेडी कटी हुई है, बट हम क्या करते हैं, हम हमेशा शुरू से बात करते हैं चीजों की, तो हम इसे काट लेते हैं थोड़ी। तो वायर कटर से भी गाइस ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आप अपने घर में कनेक्शन कर रहे हैं, तो इसे गाइस हम डायरेक्टली यहाँ पे हम काट लें, और किस तरीके से आप और अच्छी तरीके से शुरू से समझना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा करके काटेंगे, और इसे भी सेकंड वाले को भी, मतलब ये कोई सी भी हो सकती है वायर आप जोड़ें। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यूं करके जोड़ देते हैं, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा गलत होता है। मतलब आप इस तरीके से जोड़ते हैं तो आपको हमेशा सामने रखनी है दोनों वायर, और कोशिश करनी है कि इसमें ऐसी गांठ पड़ जाए तो हमें इसमें से 3 वायर ये 4 वायर निकाल लेंगे, ये वाली और इसमें से भी निकाल लेंगे वाली। अब गाइस क्या करेंगे, जो हमारी जो सीधी वायर है उन्हें छोड़ देंगे, और जो बची हैं अब इस पे लपेटे मार देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन करने हैं, अभी मैं आप दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे हमने इसके कर दिए फर्स्ट के, एंड अब करेंगे हम सेकंड के। तो अब गाइस कहेंगे इसका क्या करना है, तो इसे भी हम इस तरीके से डबल करके मोड़ देंगे इसी के ऊपर, जिस डायरेक्शन में हमने वो मोड़ी थी वही हम इस डायरेक्शन इसे मोड़ देंगे। अब गाइस आप कहेंगे यार प्रॉफिट क्या हुआ, हमें तो वैसे भी मोड़ सकते थे। प्रॉफिट ये होता है, ये अब किसी भी हालत में खुल नहीं सकती, अब आपको वायर ही काटना पड़ेगी, आप इसे चाहे खोलना तो पॉसिबिलिटी नहीं होती गाइस। ये बहुत अच्छा बहुत प्रॉपर जो पॉइंट है, आपने ध्यान से नहीं देखा हो तो आप पीछे करके दोबारा से जरूर देखें इसे, मैं कहूंगा। और इसे आप इजिली घर में, अब इस पर टेपिंग कर दो तो कभी स्पार्क नहीं कर सकती। तो गाइस इसे इस तरीके से, या आप इस पे थोड़ा सा हैवी लोड चलाना चाह रहे हैं तो यार तब आप इस वायर पे मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 3 से 4 किलोवाट, मतलब ज़्यादा चला रहे हैं तो इस तरीके का ही इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हमें शोल्डरिंग जरूर कर देनी है, और पूरे पे नहीं करनी है, हमें याद रखना है हमें बस हल्के से किनारे पे करनी है, ये यहाँ पे बस हमें हल्का सा थोड़ी देर तक रखना है, शोल्डरिंग अपने आप होती रहती है, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी, बस इस पे रख देना है और ये हो गया शोल्डरिंग। अब गाइस कुछ भी हो जाए, मतलब अब ये वायर ऐसी हो गई है, क्या ये वाली इतनी स्ट्रांग होगी जो ये वाली हो चुकी है, मतलब अब ये कहीं नहीं लेगी लाइफ टाइम। और अब मगर आप ये चाहें कि शोल्डरिंग करके खोलूं तो खोल भी सकते हैं, ऐसी भाई शोल्डरिंग रख के खींच लेनी है वायर, बट खींचेगी भी नहीं क्योंकि हमने ज्वाइंट ऐसे मार रखे हैं, तो अब ये कटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बट जो लोग दोनों साइडों से यूं करके मोड़ देते हैं वो खुल भी जाती है, और उस पे हिटअप होती है तो ये वो शोल्डरिंग भी निकल जाता है, बट इस पे क्या हो गया, ये तो अब कभी ना खराब होने वाली हो गई। अब आती है 2.5 mm की वायर, गाइस 2.5 mm की वायर को भी हम काट लेते हैं। तो इसे भी हमें उतना ही काटना है जितना कि हमने पहले वाली वायर काटी थी 1 mm की। तो दोस्तों इसमें तो दोस्तों इसमें जो परेशानी होती है ना, हम इसमें यूं करके या कोई सा भी स्टेप लें वो गाइस हमेशा गलत बैठेगा, क्योंकि ये मोटी वायर है और ये आराम से खुल सकती है,
इससे मोटी आएगी, अभी हमारे पास 3 mm की, वो 6 mm की वायर भी आएगी, तो इस पे हम बहुत बेसिक सा सोल्यूशन करेंगे बस। बट अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल बेसिक ज्वाइंट है, इसे खींचेंगे तो आराम से खुल जाएगा। कैसे खुल जाएगा दोस्तों, मतलब आनंद के होते पे खुल जाए तो बेकार है फिर। तो हम क्या करेंगे, आप इस पे करेंगे शोल्डरिंग, और ये गाइस इस पे बिना शोल्डरिंग के आप यूज ना करें, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब आप कलर चेंज होता हुआ देख ही रहे होंगे, जहां मैं शोल्डरिंग कर रहा हूँ वहां का कलर चेंज हो जा रहा है। और बीच में भी हम हल्के से शोल्डरिंग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऐसा ज्वाइंट हो गया, किसी का नाना भी नहीं खोल सकता, चाह के भी और ना चाह के भी, क्योंकि जो हमने इसे पेस्ट किया है ना, और आप ये देख रहे होंगे यार यहाँ पे तो हल्का, यहाँ पे नहीं। गाइस ये सेम काट के दिखाना चाहूँ तो मतलब अभी बहुत ज्यादा हीटअप हो रहा है, और ये किसी के नाना या दादा से भी, अब ये ज्वाइंट और कितना भी हीटअप हो जाए, मतलब मैंने 140 डिग्री से भी ऊपर, मतलब इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 400 डिग्री तक पहुंच जाता है, 300 350 पे शोल्डरिंग की है, तो आप समझ सकते हैं ज्वाइंट तो छोड़िए, वायर एक टुकड़ा तक का नहीं हिलेगा वायर का इसका। अब गाइस प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी 6 mm वाली वायर पे, क्योंकि इसे काटना और मोड़ना दोनों डिफिकल्टी पड़ जाता है। तो इसमें हम बिल्कुल नए स्टेप से करेंगे, लेकिन आप ये कहेंगे यार ये काट के नहीं दिखाई, तो गाइस काटना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसे छील लेना है हमें। और छीलने के बाद छीलना हमें थोड़ा सा ही है, जैसे कि हमने वाली वायर इतनी छीली थी, तो हमें इतनी नहीं छीलनी, हमें सिर्फ इतनी सी छीलनी है जो कि इसके मुंह जो है आपस में खोल लेने हैं, और खोलने के बाद मिला देने हैं ये ऐसे, और बड़े प्यार से लेके जाना है और इसे बंद कर देना है। कहेंगे यार ये तो मतलब बहुत ज्यादा डेंजर है, इसमें तो कोई सी वायर निकल जाएगी, तो गाइस यहाँ पे इसे और अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे, और यहाँ पे ये, इसमें गाइस मैं इसे ढीला करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं अभी बताऊंगा मकसद क्या है, क्योंकि हमें इसकी गैपिंग भी भरनी है, मैं उसमें चाह के भी बीच की गैपिंग नहीं भर पाऊंगा। आप चाहेंगे कि मैं गैपिंग भर दूं बीच के, तो पॉसिबल नहीं है, और गैपिंग हमें बिल्कुल तार से तार भी नहीं मिलानी, क्योंकि बहुत मोटा वायर है। तो इसमें हम सीधे, इसमें हमने कुछ नहीं किया है गाइस, सिर्फ आगे मुंह खोल के, और इसमें बस हमें शोल्डरिंग कर देनी है इस तरीके से, क्योंकि बीच में जितना शोल्डरिंग रहेगा उतना अच्छा रहेगा इसकी वायर की लॉन्ग लाइफ के लिए, कि ज्वाइंट गर्म ही नहीं पड़ेगा किसी भी हालत में। और कुछ नहीं करना, बस हमारी एक ही होती है समस्या कि वायर को कैसे अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर पाए, तो हमें बस मैक्सिमम शोल्डर डालना है, और कोशिश कीजिएगा गाइस कि हम ज्यादा ज्वाइंट ना लगाएं वायर पे किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि ज्यादा जितने ज्वाइंट होते हैं वायर पे उतनी कमजोर होती है कोई सी भी वायर हो वो। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधा सीधा रखा है इसे, हमने कुछ करा ही नहीं है, मगर इसमें गाइस बहुत ज्यादा शोल्डरिंग करनी होती है, ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, कोई की भी गैप नहीं छूटना चाहिए। कभी आप ये सोचें कि हमने 2 या 3, क्योंकि इस पे लोड कभी कभी 5 से 6 किलोवाट तक का भी आ जाता है, तो हमें उस हिसाब से इसकी शोल्डरिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये हो गई है, और इसके पीछे की देखेंगे तो अभी बिल्कुल, क्योंकि बहुत मोटी वायर है तो इसके पीछे की हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम ये रख लेते हैं वेट के तौर पे, और अब इसके मतलब ये इतनी हैवी है कि उसे भी गिरा दिया हमारे योग को, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यस, और यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये ज्वाइंट करनी है वायर, और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से मैंने ज्वाइंट कर ही है इसे। और अब आप ये सोचेंगे यार ये साइडों से, तो गाइस इसे मतलब पूरा फिल कर लेता है, मुझे बहुत ज्यादा शोल्डर खर्च हो जाता है इसमें तो। और यहाँ पे अब आती है टेपिंग की बात, की यार टेपिंग पे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, तो गाइस टेप भी लगा के मैं दिखा देता हूँ, गरम गरम पे लगाएंगे तो कभी लाइफ में कुछ भी हो जाए टेप नहीं खुलेगा, क्योंकि इतना हीटअप है इसका टेम्परेचर, अब भी मैं मानता हूँ कि 60 से 65 डिग्री है,
और यस टेपिंग अच्छे से करनी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, सीरीज के हिसाब से पहली कर देनी है और दूसरी कोट चढ़ा देनी है, मोर देन सफिशियंट होगी। तो गाइस ये है फाइनली, और अब ये इतनी मुड़ेगी भी नहीं कभी, मतलब ज्वाइंट के साइड से कभी मुड़ेगी भी नहीं, आप चाह के भी मोड़ना चाहेंगे नॉट पॉसिबल। तो गाइस इस तरीके से ही आप तीनों वायरों को, ये हमारी पतली वाली हो गई और ये हमारी मोटी वाली हो गई, इस तरीके से आप कभी भी कैसे भी वायरों को जोड़ सकते हैं। बट इसमें आप शोल्डरिंग यूज ना भी करें तब भी चलता है, क्योंकि ये 1 mm की, बट 2.5 mm के वायर के ऊपर गाइस हमेशा शोल्डरिंग का यूज करें। शोल्डरिंग नहीं है तो क्लिपिंग का यूज करें, क्लिपिंग दोनों साइडों से, बट मैं कहूंगा मोर देन जो यूजफुल है वो शोल्डरिंग का परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है, टेपिंग किसी पे भी आराम से हो जाएगी। और गाइस यही था वीडियो में, बाकी आगे वीडियो में बात करते हैं क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो गाइस फाइनली हम बैक आए और आप कहेंगे यार ये तो वहीं से स्टार्ट हुई थी वहीं से, तो गाइस मैंने इसे आपको बाकायदा शोल्डरिंग करके दिखाया है कि कैसे हम और अच्छी तरीके से इसे, और पॉसिबल हो तो गाइस कोई कवर होता है बड़ा सा तो वो ले सकते हैं, या आपको मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो वहां से भी खरीद सकते हैं। अनदर गाइस बिना शोल्डरिंग के या बिना पिंचिंग पंचिंग के ऐसी वायर को हाथ से मोड़ के जो चले जाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि स्पार्क होती रहती है, लोड बहुत ज्यादा होता है, कम से कम 3 से 4 किलोवाट तक का लोड, ये मैक्सिमम टाइम वेरी करती है, तो हल्की सी स्पार्किंग भी बहुत जानलेवा हो सकती है। बात करें इस पे, हम ज्यादा से ज्यादा इस पे 4 मतलब 3 2 किलोवाट तक का लोड देते हैं, तो गाइस इसे भी हम मैक्सिमम या क्लिपिंग करके जोड़ें या शोल्डरिंग करके जोड़ें, मगर हमें ऐसी बेवकूफी करना चाहिए कि हम जो कर देते हैं वो गाइस कभी नहीं करना चाहिए। और गाइस इसे तो हम कर सकते हैं क्योंकि इस पर हम लोड मैक्सिमम 1 या 1.5 किलो वाट तक का रखते हैं, इससे कम ये लाइट का लोड तो ज्यादा कुछ नहीं होता, 50 वाट तक भी होता है, 100 वाट तक भी होता है, तो हम इसे नॉर्मल हाथ से मोड़ के टेपिंग करके रख देते तो तब भी चलता है। और गाइस ये था फुल डिटेलिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।